नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम आज गेहूं पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करने के लिए जा रहे हैं। मंडी के अंदर लगातार अभी तक सरसों की आवक हो रही थी, लेकिन अब मंडी के अंदर गेहूं भी लगातार आ रहा है। गेहूं की क्वालिटी को लेकर, गेहूं के भाव को लेकर आज हम मंडी में पहुंचे हैं। मंडी के व्यापारी विजय कुमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि मंडी के अंदर गेहूं की कितनी आवक है, क्या भाव है और आगे गेहूं कहां कहां जा रहा है और कैसी ग्रेड के अंदर गेहूं आ रहा है। तो हमारे साथ में यहां के व्यापारी हैं विजय कुमार जी। जी विजय कुमार जी, बताइए कि मंडी के अंदर कितनी गेहूं की आवक है और क्या भाव है, कितनी बोरियां आ रही है, किस क्वालिटी का गेहूं आ रहा है, क्या है? मेरा नाम विजय कुमार है, फर्म जंगीराम विजय कुमार से। गेहूं की मंडी में फिलहाल करीब 2000 कट्टे की आवक है, जो अभी दो तीन दिन से ही शुरू हुआ है। क्वालिटी इस बार अच्छी है, पकाओ अच्छा है। भाव अभी थोड़ा सा क्या है कि 2250 से 2350 चल रहा है। गवर्नमेंट अभी खरीदार आई नहीं है, गवर्नमेंट खरीदार आएगी तो हो सकता है इसमें 50-40 बढ़ें, नहीं तो और 50-40 अभी घटेंगे। अभी भाव कम क्यों है, क्या कारण मानते हैं आप? कम तो क्या है, अभी थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है, 2% का मॉइस्चर आता है, 2% मॉइस्चर 50 रुपये का बन जाता है। और अभी स्टॉकिस्ट सक्रिय है नहीं, अभी सिर्फ मिलर ले रहा है गेहूं और बाहर भी कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ मिलर ले रहा है, इसलिए गेहूं के बाजार अभी थोड़े डाउन है। जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ेगी तो बाजार यहाँ से स्टैंड हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। कब से मंडी में गेहूं आना शुरू हुआ था? ये पिछले 3-4 रोज से मंडी में गेहूं आया। अभी उससे पहले कौन सी जींस चल रही थी फिलहाल? पहले उससे पहले मस्टर्ड चल रही, सरसों, सरसों के बाद बार्ले जो भी आया था, और फिर अब चना भी आने लगा है और गेहूं भी आया। तो अभी ये मॉइस्चर जो है गेहूं के अंदर आ रहा है तो आपके यहाँ पर, तो इसके कारण भाव कम है, क्या है? इसमें जाएगा अभी 2-3% का मॉइस्चर तो एवरेज माल में है, और कुछ ही माल ऐसे हैं जिनमें 10-10 किलो का मॉइस्चर है, तो उसका भाव ज्यादा कम है जिसमें ज्यादा मॉइस्चर है। आगे आगे के समय में गेहूं के भाव किस तरह के रहने वाले हैं, क्या रहेगा? गेहूं की वैसे ऑल ओवर लगाएं तो पिछले साल से काफी पैदावार कम है, अपने इलाके में जो पैदावार है पिछले साल से कम, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ज्यादा मद्दा वाली गौर बात नहीं लगती है, बाजार स्टैंड ही रहेगा। जैसे जैसे डिमांड आएगी, अभी खाने वाले आएंगे मई में, सारे बम्पर खाने वाले आते हैं, तो बाजार स्टैंड रहेगा, मद्दा नहीं रहेगा। अभी किस तरह की डिमांड है गेहूं की? अभी तो डिमांड आटा मिलों की है और ज्यादा नहीं है फिलहाल। कौन कौन सी मिलों में जा रहा है? ये अलवर लोकल मिल है, हनुमान रोलर्स लोअर मिल है, तिरुपति है, और क्या नाम से अलवर रोलर है, सप्तऋषि है, अलवर में काफी कैलाश कमलेश है, बड़े बड़े प्लांट है अलवर में। कैसी क्वालिटी नजर? क्वालिटी अच्छी, पकाव अच्छा है। अच्छा, साल पकाव अच्छा, ठंड पड़ी है ना लास्ट तक, इससे पकाव अच्छा। तो अभी जैसे किसान आपके पास लेके आ रहा है या फिर अभी सरकारी खरीद भी चालू हुई है? नहीं, किसान लेके आ रहा है, अभी सरकारी खरीद तो मेरे ख्याल में नहीं चालू हुई है, अभी पता नहीं उन्होंने क्यों रोका हुआ है। अभी सरकारी खरीद शुरू होगी तो हो सकता है मार्केट भी 2300-2300 से ज्यादा नीचे नहीं जाए। ये हमारे साथ में मौजूद थे दिनेश कुमार, विजय कुमार जी व्यापारी। उन्होंने हमको बताया कि अभी लगातार जो है सरसों की आवक हो रही थी, फिर जौ की हुई, फिर चने की है, और इसके साथ में अब यहाँ गेहूं की भी आवक हो रही है। अभी क्या है कि गेहूं कम आ रहा है मंडी के अंदर, कम आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अभी गेहूं की कटिंग जो है खेतों में चल रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे खेत से गेहूं कट रहा है वैसे वैसे मंडी में गेहूं पहुंच रहा है, और गेहूं के जो भाव है वो भी अभी फिलहाल कम है, लेकिन आने वाले समय में गेहूं के जो भाव है उसमें बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। नितिन शर्मा, अलवर।